हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फर्स्ट क्लास। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले फर्स्ट क्लास के माध्यम से आपको ये जानकारी दी गई थी कि पार्ट टाइम लैंग्वेज कोर्सेज जो जामिया ऑफर करते हैं उसकी नोटिफिकेशन आई थी जिसे आप तक पहुंचाया गया, और आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न क्या होता है एंड क्या सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं। क्योंकि जब हम क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसके बाद काफ़ी सारे प्रिपरेशन में हमें काफ़ी मदद मिलती है और अच्छे से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, पैटर्न हमें पता चल जाता है, इसलिए क्वेश्चन पेपर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, क्वेश्चन पेपर शो करने से पहले मैं कुछ बातें यहाँ बता देना चाहता हूँ। अभी जो क्वेश्चन पेपर हमारे सामने खुला है वो है सर्टिफिकेट इन स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, इटालियन एंड रशियन। ये जो कोर्स है ये आप सेंटर फॉर स्पेनिश एंड लैटिन अमेरिकन स्टडीज के अंडर में ये आता है। ये सेंटर जामिया में मौजूद है और ये पांच लैंग्वेज इस सेंटर के अंडर में आते हैं। इसके जो सर्टिफिकेट के सिर्फ क्वेश्चन पेपर्स होते हैं ये कॉमन होते हैं, पांचों लैंग्वेज के क्वेश्चंस एक साथ आते हैं। जब आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो उस वक्त आपको ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप अपनी प्रेफरेंस चूज करें। फॉर एग्जाम्पल, आपकी प्रेफरेंस स्पेनिश है तो फर्स्ट नंबर पर आप अप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय आप स्पेनिश डालें। सेकंड प्रीफ्रेंस जो है इसके इसी तरह आप पांच प्रीफ्रेंस अपना डाल सकते हैं। इसके सिलेक्शन का इशू यह है कि जब आप क्वेश्चन देते हैं कि क्वेश्चन पेपर आप ये करते हैं, इसके सिलेक्शन का मेन मैटर यह है कि जब आप इंट्रेंस देते हैं, इंट्रेंस देने के बाद इसका सिलेक्शन इस तौर पर होता है कि कट ऑफ निकाला जाता है। अब जिसका कट ऑफ जिस हिसाब से गया है उसके अकॉर्डिंग सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल, स्पेनिश का कट ऑफ 19 है एंड फ्रेंच का 80% है, तो अगर फर्स्ट प्रीफ्रेंस में आपने स्पेनिश डाला है और आपका 90 के करीब आ रहा है तो आपको मिल जाएगा स्पेनिश। बट अगर फर्स्ट प्रीफ्रेंस में आपने फ्रेंच डाला है और आपका 80 है या उससे कम है तो आपको फ्रेंच मिलेगा। लाइक दैट आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको वो लैंग्वेज मिलेंगे। अगर आप कट ऑफ मैच कर जाते हैं तो आपको फर्स्ट प्रीफ्रेंस वाला मिलेगा, अदरवाइज आपके सेकेंड एंड थर्ड प्रीफ्रेंस मिलेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। ये 100 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। ये दोस्तों, जैसा कि यहाँ देख रहे हैं, इंट्रेंस एग्जामिनेशन 2019 का है, ये यानी कि लास्ट टाइम जो इंट्रेंस हुआ था उसी का क्वेश्चन पेपर है। 2020 में नहीं हो पाया था क्योंकि इन्होंने कोर्स ऑफर ही नहीं किया था। सो ये पेपर यहाँ हम देख रहे हैं, सर्टिफिकेट इन स्पेनिश, फ्रेंच, पुर्तगीज, इटालियन और रशियन के हैं। ये टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। ये भी मैं बता दूं कि इसमें 0.25 मार्क्स ये निगेटिव रहते हैं। सो इसका ज़रूर आप ख्याल रखें जब आप क्वेश्चन पेपर हल करें कि आपके निगेटिव मार्क्स भी है 0.25। मीन्स ये कि अगर आप चार क्वेश्चन रॉन्ग लगाते हैं तो आपके एक मार्क्स काट दिए जाएंगे। इसकी प्रिपरेशन के बारे में बता दूँ कि जब आप इसकी प्रिपरेशन करने बैठें तो सबसे पहले ये है कि आप इस चीज़ को ज़रूर देखें कि कौन कौन से लैंग्वेज है, जो पांच लैंग्वेज आते हैं वो किस किस कंट्रीज़ में बोली जाती हैं। फॉर एग्जांपल, स्पेनिश हुआ तो ये कहाँ कहाँ बोली जाती है, किस किस कंट्रीज़ की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इनके फेमस एक्ट्रेस कौन हैं, फेमस पेंटर्स कौन हैं, वहाँ की कल्चर्स क्या हैं। लाइक दैट फ्रांस या इटली, रशियन, जो भी है इनकी जो फेमस पर्सनैलिटी है या फेमस फुटबॉलर हुए हैं ये आप ज़रूर पढ़ें। वहाँ का नेशनल गेम क्या है, नेशनल बर्ड्स क्या है, नेशनल पार्क्स क्या है, नेशनल एनिमल्स क्या है, वहाँ की पॉलिटिशियन अभी उनकी क्या सिचुएशन चल रही है पॉलिटिक्स की, लाइक दैट। एंड वहाँ के क्या कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी होता है वो कौन है, ये सारी चीज़ें आप ज़रूर देख लें। इसलिए कि इसके जो कुछ पार्ट्स होते हैं उसमें आपको उसी कंट्रीज़ के बारे में पूछी जाएगी, जैसा कि अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे। देन रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ आपसे किए जाएंगे, देन आपका माइंड टेस्ट भी इसमें होता है, उसके बाद फिर अनसीन पैसेज होते हैं जिसे आप कंप्रिहेंशन भी बोल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन के पैटर्न्स होते हैं। सो लेट्स सी, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ है, हु रोट द फेमस नोवेल पत्थर पंचली। गाइस, एक चीज मैं बता दूं कि यहाँ मैं सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ कि क्वेश्चंस क्या है, बाकी जो इसके आंसर हैं ये आप खुद बेटर जानते हैं, आप खुद इसे आप तलाश करें, ताकि जब एक क्वेश्चन के आप आंसर तलाश करेंगे तो उसके अंडर कई सारी चीज़ें आपको पता हो सकती है। मे भी ये क्वेश्चन इस साल ना है जो इसके अंडर में आप दो तीन चीज़ें पढ़ रही वो आ जाए, इसलिए हम आंसर डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और ये क्वेश्चन पेपर अपलोड करने का मेन रीज़न यही है कि आपको पैटर्न पता चल जाए और ये पता चल जाए कि क्या क्या चीज़ें पूछी जा रही है। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट लीडर ऑफ द USSR।
थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द रशियन डॉल्स दैट फिट वन इनसाइड द अदर कॉल्ड। फोर्थ क्वेश्चन है, स्पेन ऑन द फीफा वर्ल्ड कप इन, अब कौन सा है इसमें ईयर, वो ईयर आप डालें यहाँ। फिफ्थ क्वेश्चन देख लें, द मिरांडाज लैंग्वेज इज स्पोकन इन, किस कंट्रीज में बोली जाती है, वो यहाँ आपको ऑप्शन दिया जाता है, वो ऑप्शन आप चूज करें जो राइट आपको लगे। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन विच म्यूजियम इज द पेंटिंग मोनालिसा लोकेटेड। सेवन क्वेश्चन देख लें कि विच कंट्री वाज एंटोन चेखव फ्रॉम। एट्थ, हु अमंग द फॉलोइंग एक्ट्रेसेस वाज बोर्न इन स्पेन। नाइन्थ क्वेश्चन है, इन द इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल, और यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है इन चारों में से कि कौन है पुर्तगाल की राजधानी। दसवां क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जे एम जी ले क्लेसियो इज अ, कौन है ये, स्पेनिश राइटर है या रशियन राइटर, ये कहीं का एक राइटर, उस राइटर के बारे में इन्होंने पूछा है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, वेयर इज ट्रेवी फाउंटेन लोकेटेड। बारहवां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फ्लोज इन रशिया। तेरहवां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। चौदहवां क्वेश्चन देख ले, इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम, कि सिक्किम की राजधानी कौन है इनमें से, ये चार ऑप्शन है, इसमें से कोई आपको चूज करना होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिकोज ऑफिशियल लैंग्वेज, मैक्सिको की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कौन सी है, फ्रेंच है, इंग्लिश है, स्पेनिश है, सो ऑब्वियसली ये स्पेनिश ही है। एंड सोलहवा है, पाब्लो पिकासो वाज अ, क्या था वो, पुर्तगीज का पेंटर था, स्पेनिश पेंटर था, इटालियन पेंटर था, या क्या था, ये आपको चूज करना है। सत्रहवा क्वेश्चन है, जोसे सारामागो हु ऑन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1998 वाज अ, कौन था वो, कहाँ का राइटर था, ये आपको चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 18 हम देख लें, हु इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। जैसा कि दोस्तों मैंने बोला था कि आपको ये भी याद रखना है कि यानी वहाँ के प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कौन है, ये जरूर आप देखिएगा, जैसा कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है, तो ये जरूरी नहीं कि फ्रांस के बारे में भी स्पेन के बारे में पूछ ले या इटली के बारे में पूछ ले, सो ये सब जरूर आप देखिएगा। 19वां क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक द नेम ऑफ द रोज। हाँ, और ये भी जरूरी है कि जो फेमस बुक्स हैं वो जरूर देखिएगा, स्पेशली उन कंट्रीज के जो हैं, जो फेमस राइटर्स हैं, जो फेमस बुक्स हैं। 20वां क्वेश्चन है, विच इज द नेशनल एनिमल ऑफ रशिया। जैसा कि मैंने शुरू में एनिमल के बारे में भी डिस्कस किया था कि नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड्स, ये सब क्या है। 21वां क्वेश्चन है, वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, कौन थी इनमें से, वो आपको चूज करना है। 22वां क्वेश्चन है, हु इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पुर्तगाल। 23वां क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस नॉवेल गोदान। क्वेश्चन नंबर 24, क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज अ फुटबॉलर, कहाँ का फुटबॉलर है, यह आपको चूज करना है। ये भी मैंने बताया था कि स्पोर्ट्स के तल्लुक से आप जरूर देख लीजिएगा कि कहाँ के स्पोर्ट्समैन सबसे ज्यादा फेमस है, किस कंट्रीज के हैं। 25वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ फॉर्मर कॉलोनी ऑफ स्पेन। क्वेश्चन नंबर 26, हु रोट द सेकेंड सेक्स, ये बुक है, इसे किसने लिखा है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इज द कैपिटल ऑफ स्पेन, कि स्पेन की राजधानी कौन है, ये आपको बताना है। 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय द ब्राउजर टू कनेक्ट टू द लोकेशन ऑफ द इंटरनेट रिसोर्स। क्वेश्चन नंबर 28, उस्ताद अमजद अली खान बंगाश इज अ रिनोड इंडियन, ये किस चीज में ज्यादा फेमस थे, किस चीज की वजह से वो जाने जाते थे, तबला बजाने या गिटार बजाने, किस चीज में, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 30, टोलूस इज अ सिटी लोकेटेड इन, ये बेसिकली ये फॉरेन कंट्रीज की कोई लोकेशन है, बल्कि ये जो पांच लैंग्वेज आपने चूज की उन्हीं में से कोई एक सिटी है, ये उसके प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग होगी, इसे आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाट काइंड ऑफ लाइव मूव एक्सटेंशन यूजली रिफर्स टू। 13 नंबर 2, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ, की पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है, आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 33, द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अमेरिका कैप हॉर्न बिलोंग टू विच कंट्री। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पेरू। क्वेश्चन नंबर 35, द कंट्री बोलिविया वाज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटीज। क्वेश्चन नंबर 36, पेरे क्यूरी वाज अ फ्रेंच सिंगर था या क्या था, फिल्म मेकर था, यह आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37, विच कंटेंट हैज द लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। क्वेश्चन नंबर 38, विच ऑफ द फॉलोइंग टू आइसलैंड आर इन इटली। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट इज द फायरवेल यूज्ड फॉर इन कंप्यूटर्स। क्वेश्चन नंबर 40, विच इटालियन कार मैन्युफैक्चरर स्पॉन्सर अ फार्मूला वन टीम।
क्वेश्चन नंबर 41, यहां से आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। हुआ कि ये जो 40 क्वेश्चन थे ये आपके उस कंट्रीज के रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ भी मिसिंग नंबर आपको ये करना है। 43 भी रीजनिंग के क्वेश्चन है, मिसिंग नंबर आपको चूज करना है। 44 भी सेम क्वेश्चन है, 45 भी आपका वही मिसिंग नंबर है, यहाँ भी आपको वही करना है। 46 में क्या है, मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज, ऊपर ये 5 क्वेश्चन ये नंबर के रिगार्डिंग थे रीजनिंग, बट यहाँ से ये है कि मिसिंग लेटर आपको ये करना है। फॉर एग्जाम्पल AB3DE9GH15, अब यहाँ क्या आएगा वो आपको ये करना, ये भी रीजनिंग के ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज AZ BY CX, देन यहाँ पर क्या आएगा ये आपको चूज करना है इन चार ऑप्शन में से। क्वेश्चन नंबर 48, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन नंबर 49, फाइंड द मिसिंग लेटर इन द फॉलोइंग सीरीज DD CAEE DA FF EA GG, अब यहाँ क्या होगा वो आपको चूज करना है। देखिए अब यहाँ लिखा हुआ है, गो थ्रू द सेंटेंस ऑफ द लैंग्वेज ए एंड लैंग्वेज बी एंड आंसर द क्वेश्चंस 51 to 60। ये लैंग्वेज ए एंड लैंग्वेज बी, इन्होंने कुछ कोड वर्ड सेट कर रखा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम देखें कि बिल रील ती, इसका इन्होंने मीनिंग निकाला है कि ही इज ईटिंग एन एप्पल। तो यहाँ हम देख ले गोया कि बिल का माना उन्होंने लिया है ही इज, रील का माना उन्होंने लिया है ईटिंग, और ती का माना इन्होंने एप्पल लिया है। तो लाइक दैट इन्होंने कोड वर्ड इन्होंने बना दिया है कि ही इज, आई एम या शी इज, आई वाज, इनके क्या आएंगे वर्ड और उनकी मीनिंग क्या आएगी। देन इसी तरह आपके क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ से आपको तलाश करके फिर उसे फिल करना है। यहाँ ये देखना मकसद होता है कि आपका माइंड कितना शार्प है, कितना तेज माइंड चलता है। फॉर एग्जाम्पल ये देख ले, सील हील फे आई एम सेलिंग अ नॉवेल्स लाइक दैट। अब यहाँ कैसे ट्रांसलेट करना है, इन्हीं दोनों से मिला करके आपको ट्रांसलेट करना होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देख ले, सील कील वे, अब यहाँ देख ले सील हील फे में सील का माना दिया है आई एम, हुआ कि सील का माना यहाँ भी हो जाएगा आई एम। कील का माना ये देख लीजिए दाल किलनी में, कि कील का माना दिया है बाइंग, गोया कि अब यहाँ क्या आ जाएगा आई एम बाइंग। वे का माना हम देख लें तो वी का माना दिया है बुक्स, तो गोया कि वे के माने हो जाएंगे बुक, है ना ये। तो गोया कि इसका जो सही आंसर होगा वो ये होगा कि आई एम बाइंग बुक्स। सो सील किल वे का माना हो जाएगा आई एम बाइंग बुक्स। लाइक दैट आपको 51 से 60 तक आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको बनाना होगा, उसका ट्रांसलेट करना होगा। ये अगर देखा जाए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर थोड़ा सा माइंड लगाएं तो ये सारे क्वेश्चंस आपके काफ़ी करेक्ट हो सकते हैं और इससे आपके परसेंटेज भी काफ़ी अच्छे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इसी तरह सील रील सील, सील रील सील, अब इसका माना क्या होगा ये उसके अकॉर्डिंग जो ए और बी कॉलम में दिया उसके अकॉर्डिंग आपको चूज करना है। इसी तरह 53, 54, 55, 56, अब यहाँ देखिए 5 उन्होंने दिए हैं कि उसके कोड वर्ड के अकॉर्डिंग, अब यहाँ क्या है कि इंग्लिश से आपको उसके कोड वर्ड में कन्वर्ट करना है। लाइक दैट ही वाज बाइंग अ पेन, अब आपको वहाँ जाकर के देखना होगा कि ही वाज का क्या उन्होंने कोड वर्ड सेट किया है, बाइंग का क्या कोड वर्ड सेट किया है, पेन का क्या कोड वर्ड सेट किया है। सो लाइक दैट वहाँ आपको चेक करके माइंड में रख करके फिर यहाँ आपको बनाना होगा। यू वर सेलिंग ग्रेप्स, दे वर सेलिंग बुक्स, लाइक दैट ये देखते हैं कहाँ तक जाता है 60 तक। ये आपके क्वेश्चन हो गया कि 5 ये हो गया कि फॉर एग्जांपल उनके लैंग्वेज ए से लैंग्वेज बी में करना है और 5 क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज बी से लैंग्वेज ए में करना है। अब यहाँ क्या है क्वेश्चन 61, विच वर्ड डजंट बिलोंग विद द अदर्स। अच्छा अब यहाँ से जो क्वेश्चन है ये कहीं ना कहीं आपके मीनिंग बेस है कि कौन सा वर्ड किससे मैच नहीं कर रहा है, यहाँ फिर बताने के लिए कि 3 चीजें एक जैसी होगी एक अलग होगी उसे आपको छांटना है। तो आपका मीनिंग कितना स्ट्रॉन्ग है, मीनिंग वर्ड पावर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है ये भी चेक किया जाएगा। विच वर्ड डजंट बिलोंग विद अदर्स लाइक ब्रांच लीफ रूट वाटर, जाहिर सी बात है ये ब्रांच रूट ये लीफ ये तीनों एक से मैच कर रहा है, यानी ट्री से मैच कर रहा है, वाटर इसमें मैच नहीं करेगा। सो वाटर इसका राइट आंसर इन्होंने लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 62, विच वर्ड डजंट बिलोंग विद अदर्स, ये भी सेम क्वेश्चन है, यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल स्कूल, तो अब यहाँ देख ले यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल ये तीनों जो है तो ये कहीं ना कहीं एजुकेशन से बिलोंग करता है। हॉस्पिटल है, यहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट होती है, यहाँ पढ़ाई तो होती नहीं, गोया कि ये तीनों पढ़ाई की जगह हुई ये ट्रीटमेंट की जगह हुई, सो ये अलग हो गया, इसलिए ये सी नंबर यहाँ सही होगा। इसी तरह आपको देखना है और सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, विच वर्ड डजंट बिलोंग विद द अदर्स, यूनिक रेयर ब्यूटीफुल एक्सेप्शनल। क्वेश्चन नंबर 64, विच वर्ड डजंट बिलोंग विद अदर्स, नाउन एडवर्ब पंक्चुएशंस प्रीपोजिशंस। अब यही देख लें आप, मैं सारे आंसर नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, कहीं कहीं इसलिए डिस्कस कर दे रहा हूँ ताकि आपका माइंड लगे कि कैसे करना है,
यही देख ले, नाउन, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ये क्या पार्ट ऑफ स्पीच में से आते हैं, पंक्चुएशन उसमें से नहीं आते, सो ये ऑड हो जाएगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर 65, व्हिच वर्ड डजंट बिलोंग विद द अदर्स। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच वर्ड डजंट बिलोंग विद द अदर्स, यहाँ भी चार ऑप्शन है, इसमें से कोई आपको निकालना है। लाइक दैट क्वेश्चन नंबर 67, 68, 69, 70, ये यहाँ तक आपके ये वर्ड वाले हुए कि कौन किससे बिलोंग नहीं कर रहा है। आपका वर्ड पावर जितना ज्यादा मजबूत होगा उतना ही अच्छा आप ये क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ से ये है कि ये स्टेटमेंट बेस यहाँ से क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। आपको दो स्टेटमेंट दिया जाएगा, तीन स्टेटमेंट दिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आपको फिर बताना है कि ट्रू या फॉल्स की क्या है ये स्टेटमेंट। पहले आपको ध्यान से पढ़ना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आपको फैसला करना है। हम इसे पढ़ते हैं क्या इन्होंने लिखा है। द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कंसिस्ट ऑफ थ्री स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन द फर्स्ट टू स्टेटमेंट, द थर्ड स्टेटमेंट मे बी ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन। यहाँ तीन स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, जो शुरू के दो स्टेटमेंट्स है इन्हीं के बेस पर आपको ये बताना है कि जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है या गलत है, या आपको यकीन नहीं है क्या है, ये आपको चूज करना है। ये क्वेश्चंस आपके गए हैं फिर 72 में है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ क्या क्या ऑप्शन दिया है वो हम पढ़ लें। जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया है, सी फूड कॉस्ट मोर देन चिकन, सी फूड कॉस्ट लेस देन मीट, और थर्ड स्टेटमेंट दिया है कि मीट कॉस्ट मोर देन बोथ चिकन एंड सी फूड। ये आपको स्टेटमेंट पढ़ना है, देन आप अपने माइंड में उसे मिलाइए, फिर आप आंसर दीजिए कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या है। ये अगर हम देख ले तो 72, 73 भी सेम है, 74 भी सेम है, 75 भी यहाँ सेम है, 76 भी सेम है, देन 77 ये भी सेम है, 78 भी सेम क्वेश्चन है, 79 में भी वही करना है, इन्होंने स्टेटमेंट बनाया उसके अकॉर्डिंग आपको जवाब देना है, देन 80 होया कि ये 10 क्वेश्चन जो है आपके ये स्टेटमेंट के बेस हैं। दो स्टेटमेंट थर्ड तीनों स्टेटमेंट दिए हैं, दो स्टेटमेंट आपको पढ़ना है, फिर थर्ड के बारे में आपको फैसला लेना है विच वन इज ट्रू, फॉल्स और अनसर्टेन। अब यहाँ देख लें जो यहाँ से अब 20 क्वेश्चन है, तो ये 20 क्वेश्चन ये अनसीन पैसेज है, ये पैसेज आपको पढ़ने देना, आपको आंसर देना है। ये देख ले, रीड द फॉलोइंग टू पैसेजेस आंसर द क्वेश्चंस द फॉलो। ये अनसीन ये पैसेज आपको दिए हैं, ये पैसेज काफ़ी केयरफुली आपको पढ़ना है, इसलिए कि जो भी ये आगे के आंसर्स होंगे ये इसी पैसेज में होंगे। भैया कि जो 20 मार्क्स आपके हैं ये काफ़ी माने रखते हैं, काफ़ी अहम मार्क्स है, बिकॉज आपके आंसर इन्हीं पैसेज में, सो केयरफुली इसे पढ़ करके जरूर इंट्रेंस में ध्यान दें। जब आप इंट्रेंस में बैठें और ये क्वेश्चन जब हल करें तो पैसेज जरूर अच्छे से पढ़ें आप। ये अनसीन पैसेज ये देख लें। अब देखिए यहाँ से जो 81 से जो इनके क्वेश्चन है, ये फर्स्ट पैसेज था, 10 क्वेश्चन इसके अंडर आएंगे। अब क्या इन्होंने पूछा है, विच टाइटल बेस्ट एक्सप्रेस द ऑथर्स पर्पज इन राइटिंग दिस टेक्स्ट। अब ये जो टेक्स्ट इन्होंने लिखा है, अब इसका मतलब क्या हो, ऑथर्स का पर्पज है, जाहिर करना मकसद है, आप इसे टाइटल दें। लाइक दैट ये आप तो सिक्स और सेवन्थ क्लास से ही ये सब करते हुए आते हैं, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी से आप कर सकते हैं एंड मार्क्स काफ़ी अच्छा उठा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देख ले, वेयर डज द नेम ब्लैक फ्राइडे कम फ्रॉम। क्वेश्चन नंबर 83, अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट स्टोर सेट प्राइसेस सो लो ऑन सम आइटम्स देयर दे लॉस मनी। इसी तरह आपके 1990 तक ये इस पैसेज के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस पैसेज को आप ध्यान से पढ़ें, ध्यान से पढ़ने के बाद उसी में आप आंसर तलाश करें, देन इसके आंसर्स दें। ये तो मैं कहता हूँ कि 10 में पूरे 10 मार्क्स इसमें आने चाहिए आपके। फिर ये सेकेंड पैसेज है, इसका भी सेम मेथड है, ये पैसेज आपको पढ़ना है, देन आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे और इन क्वेश्चंस के आपको जवाब देने हैं। जैसे ही वॉज अ प्रोलिफिक राइटर, ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन इंग्लैंड, ये ट्रू है या फॉल्स है, क्या है, उस पैसेज के अंदर बताया गया होगा, उसे आपको ध्यान से पढ़ना है एंड देना है। इज द ओनली इंडियन राइटर इन इंग्लिश टू गेन एन इंटरनेशनल लीडरशिप। मैं एक बार फिर से ये पैसेज आपको दिखला देता हूँ ताकि कुछ देर रहेंगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं एंड आप इसे ध्यान से पढ़ें, देन आप इसका आंसर दें। लाइक दैट ये 100 तक ये क्वेश्चन आपके हैं कि ही वॉज ऑल्सो अ पोएट। ये सारे मैंने क्वेश्चंस यहाँ डिस्कस किए हैं और गाइस ये ज़रूर ध्यान रखिए, ये जो टिक लगे हुए हैं ये हमने नहीं लगाए हैं, जिन्होंने दिया है वो लगाया, सो ये सही भी हो सकते हैं गलत भी हो सकते हैं, सो इसके आंसर आप खुद तलाश करें और उसके अकॉर्डिंग आप प्रिपरेशन करें। आई होप कि ये काफ़ी यूजफुल होगा आपके लिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, उसका रिप्लाई किया जाएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनका एग्ज़ाम ही स्पेशली। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। लैंग्वेज के रिगार्डिंग वन बाय वन इस तरह के वीडियोस डाले जाएंगे,
आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।